नोखा गांव की विवाहिता शोभा की आज इलाज के दौरान मौत का मामला गर्मा गया है। मृतका के पीहर पक्ष ने पीबीएम की मौजूरी के आगे प्रदर्शन कर शव उठाने से इनकार कर दिया है। मृतका की मां लिश्मा का आरोप है कि शोभा के ससुराल वालों ने उसे जहर देकर हमारे गांव केसर देसर जाठान छोड़ दिया। उस समय हम लोग घर पर नहीं थे, घर पहुंचे तो उसकी हालत गंभीर थी। उसे तत्काल पीबीएम अस्पताल लाया गया जहां उसने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पीहर पक्ष ने मृतका शोभा के ससुराल वालों को गिरफ्तार करने वालों की मांग करते हुए शव को उठाने से इनकार कर दिया। हमारी बेटी ने वही लड़ो और ससुर लड़ी, दोनों यहाँ के तरह बाप दियो को निदाई जो कम दियो, मैं दूसरी लुगाई लिया मार दी, जेर पायो जेर पार, बाद में मारे घर नाक गया। मैं घरे कोई कौन या मैं घर आया जितते मैं गड्डियों कार्रवाई कर बीकानेर ले आ, बीकानेर मारी बच्ची री जान बच्ची कौन नी। अब सरकार मारे बच्ची रे कोई गिरफ्तार करे मैंने, मैं बॉडी नहीं ले दू। मारे जवाई होता तो मारी बेटी ने बसात, मारी सगी होती तो मारी बेटी ने बसाती। अरे अब मैंने कोई सगी दिशे कोई मैंने जवाई दिशे, मैंने दोनों नहीं गिरफ्तार करो, बाद में हमारी बेटी बॉडी बाद में ही कोई ले सा। मारा नाम लिछमा है, मारे बच्ची रो नाम शोभा हो। शोभा खत्म होगी कल 5 बजे। जेर पायो सासू मोटियार।